दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जेल से बाहर आने के बाद आज पार्टी कार्यालय पहुंचकर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम पद से 2 दिन में इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि वह तब तक मुख्यमंत्री कुर्सी पर नहीं बैठेंगे जब तक जनता उन्हें फिर से चुनाव में मुख्यमंत्री नहीं चुन लेती। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की रेस में मंत्री सौरभ भारद्वाज का नाम भी है। इसके अलावा गोपाल रॉय, अतिशी और सुनीता केजरीवाल भी सीएम पद के प्रबल दावे माने जा रहे हैं। इसी को लेकर टॉप स्टोरी के संवाददाता ने जनता की राय ली है। जनता का कहना है कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल उसे शख्स को कुर्सी पर बिठाएंगे जिस पर उनका कंट्रोल हो। सर का नाम बताइए अपना। मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अभिषेक जी, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन में इस्तीफा देंगे, कल वो इस्तीफा देंगे। देखा गया कि मुख्यमंत्री चेहरा काफ़ी है, आप किसी हो या सौरभ भारद्वाज हो या रामनिवास गोयल जी का नाम आ रहा है, प्लस गोपाल राय भी है, आपको क्या लगता है? हमारे हिसाब से सबसे प्रबल दावेदार जो सीएम पक्ष की हैं वो सुनीता केजरीवाल जी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वही हैं जो कि अरविंद केजरीवाल के बाद सारे बागडोर को संभाल सकती हैं। अरविंद केजरीवाल के जो साम्राज्य उन्होंने खड़ा किया हुआ है 10 साल से, जो उन्होंने अपना एक फेस बना रखा है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया सब्स्टिट्यूट जो हमारे हिसाब से हैं वो सुनीता केजरीवाल जी, उनकी जो धर्मपत्नी हैं, हमारे हिसाब से तो वही होनी चाहिए। वैसे दावेदार तो बहुत सारे लोग भी हैं, जैसे आपने नाम लिया, आतिशी हैं आपका, सौरभ भारद्वाज हैं, और बहुत सारे नेता हैं जो उनके समकक्ष के हैं, लेकिन हमारे हिसाब से उनकी धर्मपत्नी ही प्रबल दावेदार। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कटारमल है, मैं इस क्षेत्र का निवासी हूँ। रमेश जी, देखा जाए कि मुख्यमंत्री ने 2 दिन बाद इस्तीफा देने के बाद कल इस्तीफा देंगे जी, काफ़ी लोग सीएम के पद पे हैं लेने के लिए जी, किसी हो या सौरभ भारद्वाज अन्य नेता हो, क्या कहेंगे उसको लेकर? सर जहाँ तक जो आपने सवाल मेरे से किया है, इसमें मुख्यमंत्री कौन होगा दिल्ली का, तो मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसे शख्स को इस कुर्सी पर बिठाना चाहेंगे जो जिस पे उसका पूरा कंट्रोल हो, और इस स्थिति में श्रीमती सुनीता केजरीवाल उनकी धर्मपत्नी ही दावेदार हैं, और उनके माइंड में भी यही चल रहा है, जिस वजह से इन्होंने जेल में रहते हुए उनको आगे किया राजनीति में, जगह जगह जाके उनको मीटिंग करने की इजाज़त दी, और उन्होंने की भी और उनका अच्छा सपोर्ट भी किया। और जहां तक बाकी उनके एमएलए की बात देखी जाए तो सुनीता केजरीवाल के बाद नाम आता है आतिशी का, लेकिन मेरे को लगता है जहाँ तक मैं देख रहा हूँ पिछले 10 साल से केजरीवाल जी को, उनको किसी पे भरोसा नहीं कर सकते वो, और ना ही उनको किसी पे भरोसा है, तो प्रबल दावेदार उनकी पत्नी ही है सुनीता केजरीवाल जी। धन्यवाद। सर क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपने अलावा किसको सीएम पद का चेहरा दे सकते हैं? देखो सर, अभी जो माहौल चल रहा है उनके ऊपर एलिगेशन लगे, झूठे सच्चे साबित हुए नहीं हुए अभी, लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है माहौल आम आदमी पार्टी में सबसे वेल एजुकेटेड आतिशी आती है। आतिशी जी को अगर ये बनाएंगे तो पब्लिक सपोर्ट करेगी, बाकी किसी का कुछ नहीं कह सकते। सर वैसे बेसिकली हर जगह देखा जा रहा है कि उनकी वाइफ भी बढ़ चढ़ कर, हाँ हो सकता है, मे बी हो सकता है, अगर वो सुनीता केजरीवाल को भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी छवि अच्छी है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।